अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 जनवरी 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED स्कूटनी रिजल्ट के लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपने सुना होगा। 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों से मांगे गए प्रत्यावेदन। जी हाँ दोस्तों, हर एक अपडेट पर आप लोग की नज़र होनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपकी जीत पक्की है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जो बच्चे फेल हैं, जिन बच्चों की बैक एक विषय में 3 बार लग गई है, उन बच्चों का मामला कोर्ट में चल रहा है। बहुत से बच्चे अभी निराश हो गए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप सोचिए कि इन बच्चों ने कितना लंबा संघर्ष किया और लास्ट में जीत इन्हीं बच्चों की हुई है, ठीक है। तो आप लोग को फिलहाल इतनी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और अपडेट है, शिक्षक भर्ती 5,000 अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म। शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को अनशन जारी है लगातार। IAS से पहले PCS का परिणाम आएगा, उसके बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी लामबंद हुए, चुनावी मुद्दा बनाने की जुगत लग रही है। रद्द हुआ उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने का आदेश, ठीक है। DLED छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को देखेंगे। UPTET, CTET, SuperTET के हर एक बड़ी अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। रिजल्ट की आपको वेबसाइट पता है, सिर्फ dledresult.com। आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड भी कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2023 की जो भी अपडेट होगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखते हैं। पहले बात हो जाए वैकेंसी को लेकर। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। इस समय ठंड का माहौल है, सावधानी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले थे शिक्षक भर्ती के बारे में। प्रयागराज से अपडेट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC में शिक्षक भर्ती के लिए प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कॉलेज में 24 विषयों में 132 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। इसके लिए नवंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया। प्राचार्य प्रोफेसर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, ये अपडेट है। उसके बाद शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को अनशन जारी है, ये भी अपडेट प्रयागराज से ही है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT व प्रवक्ता PGT 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर छात्रों का अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में कृपा संकत निरंकारी रमेश कुमार राजेश कुमार बालाजी काफी बच्चों के नाम आदि छात्रों ने मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड पत्र भेजकर पद बढ़ाने की मांग की है। अगली अपडेट है IAS से पहले PCS का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने PCS 2022 का अंतिम परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा IAS 2022 के परिणाम से पहले देने की तैयारी की है। PCS 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कराई गई थी। उससे पहले 25 सितंबर तक सिविल सेवा 2022 की मुख्य परीक्षा हुई थी। अब दोनों ही मुख्य परीक्षाओं का परिणाम नहीं आया है। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम मई या जून तक घोषित होता है, जबकि आयोग ने 15 अप्रैल से पहले PCS 2022 का अंतिम परिणाम देने की रणनीति बनाई है, ठीक है। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या मामला है। प्रयागराज से अपडेट है कि प्रसदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 से लेकर 19 जनवरी तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए जाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार होंगे जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिका या अपील की थी। अब देखिए दोस्तों, ये मामला थोड़ा हटकर हो जाता है। अब बताइए, जिन बच्चों ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया उन बच्चों का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी डिसीजन आना चाहिए था कोर्ट का, वो सभी बच्चों के लिए लागू होना चाहिए था। जो बच्चे फेल हो रहे हैं सबको मौका मिले, ठीक है। तो यहाँ पर काफी बच्चे उदास हो जाते हैं कि यार हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, इसलिए हमारे साथ अन्याय हुआ। इसीलिए कहते हैं कि हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रत्यावेदन में आवेदक को याचिका या अपील संख्या, पारित आदेश की तिथि, याची या अपीलकर्ता का नाम, योजित याचिका या विशेष अपील का नाम एवं याचिका में याचिका क्रम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
जिन याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में ऑफलाइन प्रत्यावेदन दिया है उन्हें भी ऑनलाइन प्रत्यावेदन देना होगा। गौरतलब है कि 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। अब बताइए, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जिसके चार के चार विकल्प गलत है, तो उसमें सभी बच्चों का एक नंबर कॉमन मिलना चाहिए ना, सभी को मिलना चाहिए ना। अब बताइए, कोर्ट से भी जो अपडेट आती है, अब बताइए बच्चे यहाँ पर निराश हो रहे हैं कि सबको ना मिलकर सिर्फ उन्हीं बच्चों को एक नंबर बढ़ाकर दिया जाएगा जिन बच्चों ने कोर्ट में अपील किया था, मतलब उनका नाम याची में था, या इसको कह सकते हैं याची लाभ है ये, ठीक है। तो वही बात होती है, अब जिन बच्चों ने संघर्ष किया सिर्फ जीत उन्हीं बच्चों की हो रही है। कुछ बच्चों को लगता है कि हम घर बैठे रहेंगे, ठीक है, अगर जो भी होगा फैसला सबके लिए होगा, तो आप देख लीजिए जीता जागता सबूत है सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा पहुंचाया जा रहा है जिन बच्चों ने यहाँ पर अपील किया था, ठीक है, इसको भी जरा आप लोग ध्यान से रखेंगे। अगली अपडेट है, रद्द हुआ उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने का आदेश। लखनऊ से अपडेट यहाँ पर आ रही, उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। 30 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर मामले में स्पष्ट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से जारी पत्र में यह भी लिखा गया था कि निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुआ है, ऐसे में त्वरित कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों ने पत्र का विरोध किया व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत की। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभाग के संशोधित आदेश को ट्वीट कर लिखा, प्रयागराज से निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा, कोई नया कार्यालय आए जो है वह ना जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर यह कही गई कि जो कोई नया कार्यालय आ सकता है लेकिन जो है उसको ना जाने दिया जाए। यह प्रयास था और रहेगा, गलत आदेश जारी करने की जांच होगी। गौरव है कि राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय, ठीक है, अच्छी बात है ये। अगली अपडेट जरा देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर अपडेट है। लखनऊ से क्या अपडेट आ रही है, सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन ही उनके बुढ़ापे का मजबूत सहारा होता है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की जगह लागू की गई नई पेंशन योजना के विरोध में अब देश भर में आवाज बुलंद हो रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस अब पूरे देश में कर्मचारियों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस लागू की जा रही है। तो हर जगह जो अपडेट आए आप लोग इसको जरा ध्यान में रखिए। अब अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे, एक चौंकाने वाली अपडेट आती है कि शिक्षक ने छात्रा को प्रेम पत्र लिख दिया, निलंबित। कन्नौज से अपडेट है, कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में एक जूनियर स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा को शिक्षक हरिओम सिंह ने प्रेम पत्र लिख दिया। छात्रा के पिता ने सदर कोतवाली में तहरीर दे दी। उधर ठीक है, बीएसए ने मामले की जांच शुरू करवा दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार शाम उन्हें शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है, ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जूनियर स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के पास से ही स्थित प्राइमरी स्कूल का शिक्षक दिल लगा बैठा। बाकायदा उसने छात्रा को प्रेम पत्र लिखकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को बता दी। पिता ने सदर कोतवाली पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। उधर मामला सामने आने पर बीएसए ने विभागीय जांच शुरू करवा दी। रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार की शाम आरोपी शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। तो देखे रहिए भैया क्या क्या अपडेट आजकल देखने को मिलती है। बाकी डीएलएड परीक्षा डेट सीट ये आपके सामने, प्रथम सेमेस्टर जब 2023 में पेपर होगा तो सीरियल यही रहने वाला है पेपर का, इसको जरा ध्यान रखिएगा। थर्ड सेमेस्टर की बात कर ले तो इसको जरा ध्यान रखिए, टाइमिंग आप यही वाली रहेगी, 10 से 12, 1:30 बजे से 3:30 तक, ठीक है, तो ऐसे पेपर होगा। बाकी कुछ और अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सभी बच्चे बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब तक आएगा और क्या परिणाम आपका हो सकता है, तो इंतजार करिए दोस्तों, जो भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट तो जानते ही ना, dlredresult.com, dlredresult.com, ठीक है। बाकी सीटेट का जो एडमिट कार्ड है पेपर के 2 दिन पहले डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।